हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारे पास ये रेड थार है, इस पर बैठ जाते हैं, इसे रेड से ब्लैक कर लेते हैं। आज का हमारा कोई मेन टॉपिक नहीं है, कोई मतलब पहले से सोचा नहीं क्या करना है। चलते हैं, थार को ड्राइव करते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन होता है, क्या कैसा होता है। चलिए घूमते हैं विलेज की इन सड़कों पर। हम यहाँ पर एक्सप्रेसवे के साइड से ही चल रहे हैं। एक्सप्रेसवे हमारे ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं, और उसके नीचे नीचे हम थार को ड्राइव कर रहे हैं। कई बार थार भिड़ भी गई, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर रोड को छोड़ दिया है और हम सीधे जा रहे हैं स्टंट्स वाले सेटअप के पास। देखते हैं वहां पर क्या होता है। ये स्ट्रेट रैम क्लिम हमने काफी बार किया, हम इस स्टंट को परफॉर्म नहीं करने वाले, कोई और सेटअप देखते हैं स्टंट्स का। अगर अच्छा लगा तो फिर उसे ट्राई करेंगे। ये सर्कल वाला ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसे कर पाना आसान नहीं है, इसे हम जल्दी ट्राई भी नहीं करते, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राइट हैंड साइड है रैंप जंप, ये सेटअप सही है, हम रैंप जंप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम रैंप जंप के लिए थार को लेकर जा रहे हैं काफी तेज स्पीड के साथ। रैम जंप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब तक हम कैमरे को एक्शन मोड पर रखते हैं, ऐसा कमाल का एक्शन आता, व्यू आता आप लोग को देखने के लिए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और थार नीचे जंप कर चुकी थी, इसलिए हम थार को वापस लेकर चलेंगे, एक बार और रैम्प जंप करवाएंगे, और इस बार पहले से ही हम एक्शन व्यू पर कैमरे को रख देंगे ताकि एक अच्छा सा व्यू क्रिएट हो। इस बार ये बेहतरीन जंप थी, और पहले से हमने कैमरे को एक्शन व्यू पर भी रखा था, इसलिए आपको एक अच्छा व्यू भी देखने को मिला होगा। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं माउंटेन्स की तरफ, क्योंकि माउंटेन्स पे कार को जिस तरह से जंप करवाने मजा आता है, इतना मजा तो रैंप जंप पर भी नहीं आता। और यहाँ पर हमारी थार पलट चुकी है, हमें इंतजार करना होगा थार के सीधे होने का। यहाँ पर थार को लेकर हम नीचे आ रहे हैं, रोड साइड पर आ रहे हैं थार को लेकर। यहाँ पर रात हो चुकी है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड